Vagasia from Genius Public School. Today we will learn subject English. Unit number 6. Mr. Nobody. ये एक poem है. तो उसको poem को समझने के लिए पहले हम देखेंगे हमारे D words. तो हमारे D words है. First है quiet. Q U I E T. Quiet means shine. Second है mischief. M I S C-H-I-E-F. Mischief means bad behavior but not serious. क्योंकि आप जो छोटे बच्चे होते हो तो घर पर शैतानी करते हो ना, उसको क्या कहते हैं? Mischief. A-G-R-E-E. Agree means सहमत होना. Nobody. N-O-B-O-D-Y. Nobody means कोई भी नहीं. Everybody. E-V-E-R-Y. B-O-D-Y. Everybody means sir. तो ये words I think आपको समझ में आ गए होंगे. तो अब हम book में से हमारे poem को देखेंगे. Unit number 6. तो उसके D words हमने देख लिए. तो अब हम start करेंगे हमारी poem. Read and enjoy this poem. Mr. Nobody. तो ये है हमारे Mr. Nobody. I know a funny little man as quiet as a mouse. मैंने एक ऐसा फनी मजाकिया लिटिल यानी कि छोटा मैन यानी कि आदमी, मैंने एक ऐसा छोटा मजाकिया आदमी देखा है कि जो एक माउस यानी कि चूहे, तो चूहे जैसा क्वाइट यानी कि शांत है. तो यही एक फनी बात है क्योंकि चूहा तो शांत होता नहीं है, वो तो इधर उधर दौड़ता रहता है और सारी चीजों को काटता रहता है. तो मैंने एक ऐसे छोटे आदमी को देखा है कि वो चूहे जैसा शांत है. वो डज द मिस्चीफ दैट इज डन. वो डज द मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस. मिस्चीफ यानी कि बेड बिहेवियर. जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेड बिहेवियर करते हैं पर वो सीरियस नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं मिस्चीफ. तो ये जो मिस्टर नोबडी है वो ऐसी नादानियां करते रहते हैं, ऐसी हरकतें करते रहते हैं और ऐसे मिस्चीफ हर लोगों के घर में पाए जाते हैं. देयर्स नो वन एवर सीज हिज फेस एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी. तो ऐसे मिस्चीफ यानी कि इधर उधर शैतानियां करते रहते हैं और ऐसे आदमी के हर जगह या हर घर में पाए जाते हैं. किसी ना किसी घर में तो छोटे बच्चे होते हैं, कोई बड़े होते हैं जो ऐसी नादानियां करते रहते हैं. और ये जो मिस्टर नोबडी है इसका फेस तो किसी ने देखा भी नहीं है कि मिस्टर नोबडी कैसे दिखते हैं. एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी. और यहाँ पर जितनी भी प्लेट्स है क्रैक की हुई यानी कि टूटी हुई जितनी भी प्लेट्स है वो मिस्टर नोबडी ने ही क्रैक की होगी, ऐसा सब लोग एग्री करते हैं. सब लोग मानते हैं कि ऐसी नादानियां और ऐसी हरकतें तो मिस्टर नोबडी ही कर सकते हैं. अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर. रीडिंग इज फन. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इज मिस्टर नोबडी. मिस्टर नोबडी कौन है? आंसर इज दैट मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटल मैन वो डज मिस्चीफ इन एवरी बडीज हाउस. जो मिस्टर नोबडी है वो एक फनी लिटल मैन है और वो इधर उधर सबके घर में शैतानियां करते रहते हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन हैज एनीवन एवर सीन हिम. क्या किसी ने मिस्टर नोबडी को कहीं और किसी भी जगह देखा है? आंसर इज दैट नो. नो वन हैज एवर सीन मिस्टर नोबडीज फेस. किसी ने भी कहीं पर भी मिस्टर नोबडी का फेस नहीं देखा है. क्वेश्चन नंबर 3. इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस. क्या आपके घर में भी कोई ऐसा मिस्टर नोबडी है? आंसर इज दैट नो. देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन माय हाउस. मेरे घर में कोई मिस्टर नोबडी नहीं है यानी कि मेरे घर में कोई ऐसा शैतानियां करने वाला आदमी नहीं है.
लेट्स टॉक। यहाँ पर भी हम 3 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी, क्या आपने कभी कोई शैतानियां की है? यस, देयर आर मैनी नॉटी थिंग्स आई हैव डन, यानी कि मैंने भी कई सारी शैतानियां की है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या क्या किया है? आई ब्रोक माई नेबर्स विंडो वाइल प्लेइंग फुटबॉल, कि मैंने एक बार फुटबॉल खेलते खेलते मेरे पड़ोसी की जो विंडो होती है उसका ग्लास तोड़ दिया था। थर्ड, व्हाट डिड यू से, तो आपने क्या किया था, आपने क्या बोला था? उसका आंसर है आई अपोलोजाइज टू माई नेबर एंड अश्योर दैट आई वुड नॉट रिपीट इट अगेन, मैंने अपने जो नेबर्स थे, अपने पड़ोसी थे, उसके पास जाकर अपोलोजाइज किया था, यानी कि उसकी माफी मांगी थी और मैंने कहा था कि ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेट्स शेयर, समटाइम यू वॉन्ट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, टेक अ राइड दोज दैट यू डिड, टेल योर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग चीजें ढूंढू या सोचू, तो ये 4 जो चीजें आपको दी गई है उसमें से आपको क्या क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आपने ये 4 चीजों में से कोई किसी भी चीज को पहले किया है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है। फर्स्ट है आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड, कि जो हमारी वॉच होती है उसमें जो कांटे होते हैं वो टिक 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 क्यों चलते हैं, कि आपने ऐसा कभी सोचा है? सेकेंड है आई वॉन्ट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स, कि कभी हमें ऐसा लगता है कि चलो हम घर के बाहर जाते हैं और आकाश में यानी कि स्काई में स्टार्स को देखते हैं। थर्ड है आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इन टू अ नेस्ट, के भाई हम कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चलो पेड़ पर चलते हैं और वहां पर जो घोंसला है यानी कि नेस्ट है उसके अंदर जाकर देखते हैं कि उसमें क्या है। फोर्थ है आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स, ये हमारे घर में जो किचन है वहां पर हम जाते हैं और स्टूल के ऊपर चढ़ के बिस्किट्स को ढूंढते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? जो किया है तो यहाँ पर आपने जो भी किया है वहां पर आपको राइट करना है और ये बात आपके फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करनी है। Say aloud and circle the rhyming words। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। उस सेंटेंस में जो भी राइमिंग वर्ड आते हैं उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फर्स्ट है अ माउस रन इनटू अ हाउस, तो माउस और हाउस दो राइमिंग वर्ड्स है तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल। सेकंड है आई कैन सी द लिटल बी, सी और बी वो राइमिंग वर्ड्स है तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल। थर्ड है दैट वॉज अ फैट कैट, फैट और कैट राइमिंग वर्ड्स है तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल। फोर्थ है गिव मी अ हैंकरचीफ, डोंट डू एनी मिस्चीफ, तो हैंकरचीफ और मिस्चीफ दोनों राइमिंग वर्ड है तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल। लेट्स ड्रो, मेक ग्रुप्स ऑफ 5 चिल्ड्रन ईच, ईच ग्रुप टेक अ बिग चार्ट पेपर, जो बच्चे होते हैं उसमें 5-5 के 5-5 बच्चों के ग्रुप हमें बनाने हैं और उस ग्रुप में एक बिग चार्ट पेपर को देना है। ईच ग्रुप ड्रो अ मिस्टर नोबडी, हरेक ग्रुप को एक एक मिस्टर नोबडी बनाना है। द फर्स्ट चाइल्ड ड्रोज मिस्टर नोबडीज हेड, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको नोबडीज का हेड को ड्रो करना है। द सेकेंड चाइल्ड ड्रोज हिज क्लोथ, जो सेकेंड चाइल्ड है उसको नोबडीज के क्लोथ को ड्रो करना है। द थर्ड चाइल्ड ड्रोज द आर्म्स, जो तीसरा बच्चा है थर्ड बच्चा है उसको नोबडीज के आर्म को ड्रॉ करना है। द फोर्थ चाइल्ड ड्रॉज हिज लेग्स, फोर्थ चाइल्ड को नोबडीज के लेग्स को ड्रॉ करना है।
The fifth child draws Mr. Nobody's hair. जो fifth child है उसको nobody's के hair को draw करना है. Look at Mr. Nobody. Isn't he a funny man? Color him. और आपको देखना है कि मिस्टर नोबडी कैसा लग रहा है, क्या वो फनी दिखता है, और मिस्टर नोबडी के अंदर आपको कलर फील करने हैं. लेट्स राइट. फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए ई आई ओ यू. फर्स्ट है एच ई ब्लैंक डी, एच ई ए डी. तो यहाँ पर हम यहाँ पर ए का यूज करके हेड बनाएंगे. सेकेंड है ब्लैंक आर एम एस, ए आर एम एस. तो ए का यूज करके हम बनाएंगे आर्म्स. एल ब्लैंक जी एस, तो ई का यूज करके हम यहाँ पर बनाएंगे एल ई जी एस लेग्स. डी आर ब्लैंक डबल एस, डी आर ई डबल एस ड्रेस. तो ई का यूज करके हमने बनाया ड्रेस. लास्ट है एच ब्लैंक ब्लैंक आर, एच ए आई आर हेयर. तो ए और आई का यूज करके हमने यहाँ पर बनाया है हेयर. सेकेंड है एड नो सम एंड एवरी टू द वर्ल्ड बॉडी टू मेक न्यू वर्ल्ड. आपको यहाँ पर जो बॉडी दिया गया है उसके आगे आपको नो सम और एवरी लगा के नए वर्ड्स को बनाना है. तो फर्स्ट में हम बनाएंगे नो बॉडी नो बॉडी, सम और बॉडी सम बॉडी, एवरी और बॉडी एवरी बॉडी. क्वेश्चन नंबर थ्री. सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस, मिस्टर दिनेश दीक्षित. जो सीमा है उसने अपने फादर का नाम ऐसे लिखा है मिस्टर दिनेश दीक्षित. राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, मिसेस नेहा रामदास. जो राम है उसने अपनी मदर का नेम यहाँ पर लिखा है मिसेस नेहा रामदास. राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड. आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम लिखना है जैसे सीमा ने अपने फादर का नेम लिखा है, वैसे ही आपको यहाँ पर आपका फादर का नेम लिखना है. राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड. राम ने यहाँ पर जैसे अपनी मदर का नेम लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पर अपनी मदर का नेम लिखना है. यूज मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो. आपको यहाँ पर मिस्टर और मिसिस लगा के आपको जो भी नाम आते हैं वैसे नाम आपको यहाँ पर लिखना है. मैंने ये यहाँ पर लिखा है मिस्टर सिद्धार्थ कपूर और मिसिस टीना शर्मा. द जिगजैग बॉय. जिगजैग यानी कि जो यहाँ पर ऐसी ऐसी लाइन दी गई है ना उसको कहते हैं जिगजैग लाइन, और ये है हमारा जिगजैग बॉय. आई नो अ लिटल जिगजैग बॉय who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forget, for you will know where things are put away. यानी कि जो एक zigzag boy होता है वो यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ ऐसे इधर उधर चलता रहता है और अपनी सारी चीजों को भूलता रहता है और इधर उधर छोड़ देता है. उसको वो भी पता नहीं होता है कि उसका कोट शूज और हेड कहाँ पर है. जो आप एक zigzag boy नहीं हो तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो कुछ फॉरगेट नहीं कर सकते, आप तो सब याद रखते हो, क्योंकि zigzag boy होता है वो अपनी सारी चीजें भूल जाता है. पर आप एक zigzag boy नहीं हो तो आपको तो सब याद रहता होगा और आपको वो भी पता होगा कि आपकी चीजें आपने कहाँ पर रखी है. कैन यू मेक zigzag lines? सी हाउ द zigzag boy runs. आपको ये zigzag lines दी गई है उसको ट्रेस करके आपको ये कंप्लीट करना है. ओके okay?